गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े लगातार 50 के नीचे आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को 24 घंटे के अंदर केवल 39 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 20,165 पहुंच गया है। इनमें 19,403 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौतों की संख्या 323 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 439 रह गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि जाँच रोजाना 3,000 से 4,000 के बीच है। एंटीजन और RT-PCR की जाँच में भी ज़्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं, यह बेहद सुखद है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले कम से कम 20 लोगों की भी जांच लगातार की जा रही है। बृहस्पतिवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 21 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 5 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा तिवारीपुर, चिलुआताल और राजघाट में 1-1, गोरखनाथ में 2, रामगढ़ ताल में 3 और कोतवाली और शाहपुर थाना क्षेत्र में 4-4 मरीज शामिल हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 14 नए मरीज मिले हैं। इनमें भटहट, गगहा और खोराबार में 1-1, पिपराइश में 2 और चरगावा में 9 मरीज मिले हैं। इसके अलावा 4 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज़्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।